प्यारे बच्चों, आज हम आपकी मैथ की सेकंड वर्कशीट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट वर्कशीट में स्थानीय मान निकालना सीखा था। तो आपको सबसे पहले बच्चों अपना अपना नाम लिखना है यहाँ पर, विद्यार्थी का नाम की जगह पर, और डेट लिखनी है। ठीक है? तो हमारा प्रश्न है बच्चों कि अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर हमें इनको शब्दों में लिखना है। ठीक है? वर्ड्स में लिखना है। तो पहला है जैसे बच्चों अंकों में है 26,350, तो इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर ये सवाल तो बच्चों हल किया हुआ है, हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो इसको हम पढ़ लेते हैं 37,564। तो आपको इसको शब्दों में लिखना है। ठीक है? 37,564। तो बच्चों हम 5 अंकों की संख्याएं कर रहे हैं। ठीक है? 4 अंकों की हमने फोर्थ क्लास में सीखी थी। अगला है बच्चों 58,290। तो आप बच्चों क्या करोगे, जो पहले की 2 संख्याएं हैं उनको एक साथ बोल लीजिएगा। ठीक है? 58, क्योंकि हमें यहाँ पर 10,000 तक बोलना है। फोर्थ क्लास में हमने 1,000 तक की संख्या सीखी थी। अगला है बच्चों हमारा 79,045। तो आपको बताया ना बच्चों, पहले के 2 अंक है उनको एक साथ बोल लीजिएगा। अब 79 के बाद कुछ नहीं है, जैसे 0 है तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे 45। ठीक है? 79,045। अगला है बच्चों 85,709। पचासी हजार सात सौ नौ। अगला है बच्चों सवाल 60,491। पहले के 2 अंक है वो एक साथ बोल लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तो आपके लिए ये नई संख्याएं हैं। आपने अब तक 4 अंकों की संख्याएं सीखी थी। तो बच्चों अगला है हमारा 90,008। तो बच्चों अब मैं आपको थोड़ा सा इकाई दाई सैकड़ा करके बता रही हूँ कि हम 10,000 तक कैसे जाएंगे। ठीक है? तो हम ले लेते हैं बच्चों कोई भी सवाल एक। ठीक है? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है ना? हमें आज 10,000 तक की संख्याएं हम सीख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, उल्टा करना है, ऊपर वाले से बिल्कुल अपोजिट करना है। अब हमारे पास शब्दों में दिए हुए हैं, उनको अंकों में लिखना है। ठीक है? तो पहला सवाल है जैसे 500, अगला सवाल 1,592। ठीक है? 30,592। जैसा मैंने ऊपर बताया था ना, 2 अंकों को एक साथ ले लीजिएगा तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको क्या लेना है, 38 लेना है। ठीक है? 38,720। अगला है बच्चों 56, 56,903। नेक्स्ट है बच्चों 93,279। नेक्स्ट है बच्चों 65,400। और लास्ट है बच्चों हमारा सम 75,009। तो बच्चों देखो 75,000 के बाद सीधा 9 है, क्योंकि यहाँ पर ना तो सैकड़ा की रकम दी हुई है और ना ही वो दहाई की दी हुई है। ठीक है? ना हमारे पास दहाई की संख्या है ना ही सैकड़ा की है। तो हमने वहां पर क्या किया है, दहाई और सैकड़ा की जगह पर 0 लगा दिया है 2। बच्चों हमने आज अंकों में और शब्दों में लिखना सीखा है। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए अपनी बुक में। नाइस डे।